बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलेट लेवल की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम स्लोप परसेंटेज को स्लोप रेशो में कन्वर्ट करेंगे और स्लोप रेशो के साथ रिक्वायर्ड डिस्टेंस और हाइट कैलकुलेट करेंगे। मैंने ये ड्राइंग पिछली वीडियो से ली है ताकि स्टेप बाई स्टेप एलिवेशन की आपको समझ आ सके। ब्लैक लाइन मेरी स्लोप लाइन है जिसका ग्रेड हमें 44.522 दिया गया है। मैंने इसको स्लोप रेशो में कन्वर्ट किया है जिसका फार्मूला है स्लोप परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू स्लोप पर यूनिट। स्लोप पर यूनिट कैलकुलेट होने के बाद 1 ओवर स्लोप पर यूनिट करेंगे तो हमारे पास स्लोप रेशो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फार्मूला के मुताबिक मैं स्लोप परसेंटेज 44.522 इंटर करने के बाद डिवाइडेड बाई 100 करूँगा। जो आंसर रिसीव होगा 1 ओवर आंसर यानी 1 डिवाइडेड बाई आंसर करूँगा तो मेरे पास स्लोप रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। 1 × 2.246 हमारी स्लोप रेशो कैलकुलेट हुई है, जिसका मतलब ये है कि 1 मीटर हमारा वर्टिकल है और 2.246 हमारा हॉरिजेंटल है। तो यहाँ मैं आपको डायमेंशन कमांड लेकर दिखा रहा हूँ कि 2.246 के बाद हम लोग 1 मीटर अप जा रहे हैं। तो फार्मूला के मुताबिक हमारी कैलकुलेशन ठीक है। स्लोप रेशो रोड के क्रॉस सेक्शन में दी जाती है, जिसके मुताबिक हमें रोड के शोल्डर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मैं क्रॉस सेक्शन पे भी एक वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। अभी हम टेम्प्रेरी यहाँ देख लेते हैं इसका तरीका क्या है। तो ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे रोड के टॉप से हमारी जो बैक फिलिंग है 22.261 है और हमें स्लोप दी गई है। गिवन स्लोप और हाइट के मुताबिक हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फार्मूला आप देख रहे हैं। तो मैंने अपनी स्लोप की एंट्री की हुई है 1/2.246 मेरी स्लोप है इज इक्वल टू हाइट ओवर रिक्वायर्ड डिस्टेंस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करते हुए फार्मूला चेंज हो रहा है। तो अभी हमने रिक्वायर्ड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमें हाइट के साथ अपनी स्लोप रेशो को मल्टीप्लाई कर देना है। फिगर में आप देख रहे हैं कि 22.261 हमारी टोटल हाइट है। हमने अपने इस हाइट को 2.246 स्लोप रेशो के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमें हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट होकर मिलेगा। फार्मूला के मुताबिक हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 50 मीटर कैलकुलेट हुआ है। तो मैं डायमेंशन की कमांड लेकर चेक कर रहा हूँ हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे फार्मूला के मुताबिक ठीक कैलकुलेट हुआ है। नेक्स्ट, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिए गए और साथ हमें स्लोप रेशो दी गई है तो हम हाइट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसका फार्मूला है कि हमें हाइट इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्लोप रेशो करना है तो हमारी हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। फार्मूला के मुताबिक अब हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 50 मीटर है तो हम 50 मीटर डिवाइडेड बाय स्लोप रेशो 2.246 करेंगे तो हमारी हाइट कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि 22.261 आ रही है। अगर हमें स्लोप लाइन के किसी भी इंटरवल पर रिक्वायर्ड डिस्टेंस या हाइट कैलकुलेट करनी है तो सेम इसी फार्मूला को फॉलो करते हुए हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल 37.975 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और हाइट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्लोप रेशो करेंगे तो हमें हाइट कैलकुलेट होकर मिलेगी, जो कि अभी मेरी 16.90 आ रही है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।